चाइना इज़ नॉट द फेवरेट ऑफ मिडल ईस्ट यू एस का जो रोल है वो बढ़ेगा आगे मिडल ईस्ट में या वो कम होगा मिडल ईस्ट फ्राम द फिफ्टीज टिल टू थाउजेंड टेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डोमेन समझी जाती थी यू एस के लिए यू एस इस तमाम उखाड़ पिछाड़ में इन्वॉल्व था कौन आएगा कौन जाएगा वाई डू यू थिंक सो इस हैज़ बिकम मतलब अभी एक तो इम्पोर्टेंट हो गया है mm -hmm. और आगे भी क्या ये इम्पोर्टेंस अपनी रिटेन करेगा या

और उसमें डेफिनेटली पेलेस्टाइन क्राइसिस एक रोल प्ले करेगा इस न्यू कैलकुलस के अंदर ईरान का रोल ब्रीफली अगर आप बता सकें इस पूरी सिनेरियो ने जो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स बेयर किए ना वो ईरान के लिए कूतीस को जो कंट्रोल करता है वो ईरान हिजबुल्ला को कंट्रोल करता है ईरान के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है ईरान जो शियाइट्स ग्रुप हैं सीरिया के उनको कंट्रोल करता है ईरान सो ईरान की जो प्रॉक्सीज ना वो बहुत ज़्यादा फैली हुई और ईरान के बग़ैर इस पूरे मसले का कोई सलूशन हो ही नहीं सकता सो ईरान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेविटल पॉइंट है जो कुछ कर सकता है पाकिस्तान किस तरह अप्रोच करे इस न्यू मिडिल ईस्ट को देखिए ये जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का रोल मिडल ईस्ट में ये वही इसका आंसर है जो जो अगर क्वेश्चन हम चेंज कर हैं कि पाकिस्तान दुनिया में क्या रोल प्ले कर असल एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक्स आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि हम मिडल ईस्ट को एज अ रीजन एक्सप्लोर करेंगे मिडल ईस्ट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं पिछले कुछ महीनों में पिछले कुछ एक दो साल में ख़ासतौर पे आफ्टर कोविड एंड रशिया यूक्रेन वॉर एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट्स इन द दैलेस्टीन तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ नई पावर्स जो वैक्यूम बन रहा है लेकिन क्वेश्चन ये क्या है एक वैक्यूम बन रहा है अगर बनता है तो कौन सी नई पावर्स हैं जो उसको तो फिल करेंगी आगे फॉरेन रिलेशंस मिडिल ईस्ट के एज अ होल और विद इन दोज कंट्रीज जिससे सऊदी अरब है ईरान है, है इसराइल है वो किस तरह शेप अप होंगे तो क्या आजकल ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि इज़ दिस द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मिडल ईस्ट इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे इसके लिए जिनको हमने इन्वाइट किया है माई फ्रेंड एंड एट टाइम्स माई एनिमी Uh, एसन तारिक साहब क्या हालचाल हैं आपके नीड्स नो इंट्रोडक्शन सीनियर फैकल्टी मेम्बर एनलिस्ट इनके साथ हम अक्सर एपिसोड्स करते रहते हैं जी. तो ऐसन आज आपका दिस इज राइट एग्जैक्टली यू नो वट यू टॉक अबाउट एंड राइट हाँ राइट डाउन योर रैली तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा ये बताएं जनरल डिस्क्रिप्शन के लिए बिफोर वी गेट लिटिल नर्डी तो के क्या मिडिल ईस्ट को अगर आप एक बिगर पिक्चर व्यू लें राइट ड्रोन से पिछले तीन चार सालों का तो तीन चार इंपॉर्टेंट चेंजेस या फीचर्स क्या हैं उसके अच्छा मिडल ईस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन था भी और अब मजीद होता जा रहा है और इंटरेस्टिंग तो इज नॉट अ डिसेंट वर्ड फॉर दैट स्पेशली वहाँ पर जो गाजा के अंदर क्राइसिस चल रहा है mm -hmm. लेकिन दीज इवेंट्स आर नॉट दैट मच डिसकनेक्टेड जितना दुनिया समझ रही है और इंटरनेशनल एनालिस्ट भी इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन वर्ल्ड ऑर्डर हैनरी सिंजर की किताब है वर्ल्ड ऑर्डर उसमें वो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग uh, लिखते हैं कि जब भी ट्रांजिशन हो रहा होता है वर्ल्ड ऑर्डर hmm. का तो क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं एंड फॉर द पास्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स पोस्ट टू थाउजेंड एटीन हम ये देखते हैं <coughs> कि जो ट्रांजिशनरी टाइम पीरियड आ गया इसमें प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं ताइवान क्राइसिस आ गया है साथ ही यूक्रेन का मसला शुरू हो गया है सूडान का मसला आ गया है, और अब रिसेंटली ये मिडल ईस्ट वाला क्राइसिस आ गया तो मिडिल ईस्ट के इस पूरे क्राइसिस की जो ओरिजिन है वो दैट इज नॉट फ्रॉम दिस टाइम इधर से नहीं है ये कहना कि ट्वेंटी में क्राइसिस स्टार्ट हुआ नो no. ये कहना कि 2001 में क्राइसिस स्टार्ट हुआ नो ये कहना 1990 में हुआ नो इट वाज बैक ये 75 फाइव ईयर्स की पुरानी लेगेसी चलती आ रही है द पेलस्त कॉज और ये जो तो पेलस्तिन क्राइसिस था इसके ऊपर बहुत सारे ऑथर्स और राइटर्स इस्पेली जो अमेरिकन साइड या वेस्टर्न ब्लॉक के होते हैं वो ये समझ के बैठ गए थे कि लाइक दिस प्रोसेस इज डन एंड डस्टेड और अब आहिस्ता आहिस्ता वही सेटलमेंट वाला इशू चलता रहेगा और इसराइलीज़ डोमिनेट करते रहेंगे बट एकदम से हम देखते हैं बिल्कुल नई डेवलपमेंट हो जाती है विच वॉज हिदर डो अन नोन उसके बारे hmm. में कोई सोच नहीं सकता था hmm. और ये अक्टूबर सेवन्थ की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद जब से हमास और इसराइल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाश है क्लाश ऑफ द जेनोसाइड जो कि इसराइलीस कर रहे हैं तो उसके बाद से ना सिर्फ अभी हमास और <clears throat> जो क्राइसिस है हमारे पास पूरा उसके बाद बहुत सारी बातें हो गई हैं एनलिस्ट कॉन्स्टेंटली वीलॉग्स पॉडकास्ट आ रही हैं लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है वो एज अ होल मिडल ईस्ट का पूरा एंगल है कि ये क्यों आ रहा है यहाँ पर कैसे ये बातें आ रही हैं क्यों चाइना ने एकदम से अपनी एंट्री को इस पॉइंट की तरफ इस रीजन की तरफ डोमिनेट रखा और वो ऑब्वियसली यूएस के वैक्यूम की वजह से था पोस्ट 2013 थाउजेंड यूएस ने जब से टिल्टिंग की पॉलिसी की और पिवट एशिया पॉलिसी हुई आफ्टर ड्यूरिंग ओबामा रिजीन तो उसके बाद से हम देखने एक वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया hmm. और इस वैक्यूम की वजह से चाइना को भी स्पेस मिलना शुरू होगी बट चाइना इज नॉट देयर सो चाइना इज नॉट द ऑफ दिडल ईस्ट मिडल ईस्ट का पेवेट अभी भी वही कंट्री है जो पहले था एंड दैट इज यूएसए और यूएसए की पिछले कुछ अरसे में तकरीबन दो साल के अंदर कुछ बैक ट्रैकिंग डील्स चल रही हैं जिनके बारे में आम आवाम को तो खबर थी नहीं और एनालिस्ट भी वो हल्की हल्की सी बातें कर रहे थे वन ऑफ दैट द मोस्ट डोमिनेंट थी दैट वाज टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया कि यू एस इंकरेज कर रहा था और थोड़ा सा फोर्स भी कर रहा था सऊदी अरेबिया को कि आप इसराइल को एक्सेप्टेंस कर लें या थोड़ा प्रो इसराइल काम करना शुरू कर दें फिर आफ्टर ट्वेंटी ट्वेंटी जब इब्राहम अकॉर्ड स्टार्ट हुए तो दैट स्टार्टड अ न्यू वेव और वो जो न्यू इसराइल पॉलिसी जो आई थी वो स्टार्ट हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे कंट्रीज एक्सेप्ट करना शुरू कर दें सो आई थिंक इन तमाम चीज़ों का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स हमें नज़र आया है जो कि अरब लीग की नाानसाफ़ी कह लें या आप कहें कि उनके डिसोसिएट होने की वजह से हमें एक बहुत बड़ा आ, एक एक लास्ट क्राए नज़र आई है फलस्टिनियंस की टू तू वर्ड्स टू डू समथिंग क्या वो क्राए ठीक है या नहीं वो एक सेपरेट केस है ठीक है बहुत सारे राइटर्स बात करते हैं कि वो गलत है कुछ लोग कहते हैं ठीक है लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स दिया जा रहा है जिसपे इसराइल के ऊपर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है वो वर्ड यूज़ हो रहा है प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स इसको ज़्यादा कॉमन किया था पियर्स मॉर्गन का जो शो आता था उसमें उन्होंने ये बात की थी कि ठीक है उन्होंने किया आपके ऊपर अटैक बट वाट वुड क्वालिफाई एज अ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स तो क्या उनके पच्चीस से तीस हजार बंदे मार देना पंद्रह हजार बच्चे तय तय कर देना वॉज इट अ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दैट इज समथिंग द वर्ल्ड इज स्टिल डिबेटिंग और आई की रूलिंग के बाद

उसके मुताबिक होगा जो अग्रेसिव है True. तो दिस इज इज़ एंड एंड इट वेरी वेरी नॉट सरप्राइजिंग बट सैड टू सी ये जो सारी ऑर्गेनाइजेश देखें पहले ही जब चीज़ें होती थी आप कहें लीग ऑफ नेशन से पहले ये सब कुछ तब ये कुछ नहीं था ना ट्रू फॉर सो कॉल्ड ये ऑर्गेनाइजेश्स नहीं थी सर ट्रू यू है सब कुछ है यू ने थर्ड टाइम वीटो किया सीज फाइन अभी थर्ड टाइम और उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था वो बड़ी डिप्लोमेटिकली फ्रेम्ड स्टेटमेंट है कि हम चाहते हैं कि जब तक वो दोनों एक टेबल पे ना आए तो ये विच इज़ वेरी स्ट्रेंज गिवन द फैक्ट हम इंटरनेशनल लॉ की आप हम सब लोग इतनी बात करते हैं मेरे ख्याल से वो जो थॉमस हॉब्स था ना उसकी वो जो है ना थ्योरीज और जो पावर और सब कुछ वो अभी तक उसी तरह है कुछ चेंज नहीं हुआ नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन अच्छा जो आपने अभी सारा बताया है उसके बाद ये तो बंदा कह सकता है ना कि फिर पैलेस्टीन इज रीशेपिंग मिडल ईस्ट ये बिल्कुल मतलब क्योंकि इट इज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोड खाली एक नोड नहीं है वो लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नोड इन दिडल ईस्ट है बिल्कुल ठीक है अच्छा अब यू एस आप वैक्यूम की बात कर लेते यूएस जो थोड़ा कॉन्टेक्सट है उसका यूएस को जो आम हम सब समझते हैं मैं समझता हूं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या इकोनमी या सब कुछ के यू एस का मिडल ईस्ट में प्राइम इंटरेस्ट वॉज एनर्जी राइट ऑयल ड हुआ एटसेट्रा एट्ट्रा वी ऑल नो द स्टोरी अब रिसेंटली और मैं आपको कॉन्टेक्ट से भेजते बता रहा था कि आपको मैं जो क्वेश्चन फ्रेम करना है अब रिसेंटली यू एस जो है बड़ी रेजिलियंट स्टोरी है यू एस की यू एस इज़ नाओ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड ठीक है जी वेरी स्ट्रेंज पहले नहीं था अब एकदम से बन गया उसके साथ साथ यू एस ही नाव इज ऑल्सो दन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एल एन जी और रशिया ने बंद की है यूरोप की तो यूएस ने करने लग गया True. मतलब ये कमाल इसके ऊपर मतलब कभी हम अलग बात कर लीजिए कमाल इसलिए कि 200 साल प्लस हो गए द लार्जेस्ट ऑस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट यू नो बेटर देन मी कितने इश्यूज हैं उनके साथ बट डिस्पाइट दैट ये रेजिलियंस चल रही है और एनर्जी के अंदर अगर ये दोनों रेजिलियंस है तो वो तो एनर्जी डिपेंड उनकी इंडिपेंडेंस आ गई ना एनर्जी की और से भी कर रहे हैं वो वोटीन भी कर रहे हैं जी अच्छा अब इसके बाद मिडल ईस्ट की रेलिवेंस जो उनके लिए है वो एनर्जी के लिहाज से मेरी अपनी एक जो ओपिनियन बन रहा है वो ये कि एनर्जी के लिहाज से उनकी जो रेलिवेंस है ना मिडल ईस्ट की वो थोड़ी सी अब का ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन कम जरूर हुई है बिकॉज तेरह थर्टीन पॉइंट टू फोर मिलियन बैरल्स पर डे उनकी प्रोडक्शन है यू एस की हाइस्ट एवर एल एन जी भी इस तरह है आगे भी प्रोड्यूस कर करें नाओ मिडल ईस्ट को यू एस फिर भी छोड़ तो नहीं सकता जियो स्ट्रेटिजिकली एक इम्पॉर्टेंट जगह है बट चाइना जो है दैट इज़ अ न्यू प्लेयर इन द ग्रेट गेम रिलेटिवली और वो इसको ज़ायरा फिल इन करने की कोशिश कर रहा है वी ऑल सो वट है डिप्लोमेटिक कू बोला था लोगों ने इसके अंदर अब आप मुझे बताएं कि यू एस का जो रोल है वो बढ़ेगा आगे मिडल ईस्ट में या वो कम होगा क्या यू एस अफ्रीका की तरफ ज्यादा टल्ट हो जाएगा तो क्या यू एस क्या सोच रहा होगा इस वक्त जॉन हॉपकर की किताब थी द ग्रेट गेम उसमें उन्होंने बात की थी द ब्रिटिश ग्रेट गेम और जो रशियन ग्रेट गेम चल रही थी जी एटीन एटी से लेके नाइनटीन टेंस तक द एक्सेस द सेंट्रल एशियन ऑयल सप्लाई और फिर एकदम से नाइनटीन जीरो फोर के बाद ये ईस्ट वाला ऑयल डिस्कवर हो गया एंड एवरीबडी फोकस टूवर्स दैट सो वी हैव पास्ट अबाउट वन हंड्रेड एंड ट्वेंटीड टेन ईयर्स मिडल ईस्ट का ऑयल इज़ एन एंड एन ऑल टाइम लो नीचे की तरफ जा रहा है वो और हमारे पास जो मोहताज जराएँ हैं उनके मुताबिक इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर ऑबली इट्स नॉट रूनेबल रिसोर्स तो एकदम से यू एस का इधर एक इम्पॉर्टेंस को समझना है ना समझना उसका इस पॉइंट से ताल्लुक़ नहीं द राइज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड द राइज ऑफ़ यू एस एज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल दैट हैज समथिंग टू डू विद इट क्योंकि उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो खुद डेवलप करना शुरू कर दिया लेकिन मिडल ईस्ट फ्रॉम द फिफ्टीज टिल टू थाउजेंड टेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन समझी जाती थी यूएस के लिए यूएस इस तमाम उखाड़ पछाड़ में इन्वॉल्व था कौन आएगा कौन जाएगा लीबिया में निकाल के फेंक दिया मंबर कजाफी को सीरिया के ख़िलाफ़ वॉर शुरू कर दी रफ़ी कलरी को मरवा दिया या जो भी इन पर पेस्टा के इल्ज़ाम लगते हैं जॉन परस ने भी अपनी बुक में बात की हुई है सो दो हज़ार के बाद जो जियो पोलिटिकल फ्रेमवर्क है ना वो चेंज हुआ और हिलरी क्लिटन की किताब है हार्ड चॉइस है उसमें उन्होंने ये बात की थी कि 2010 10 और बारह इसके बाद प्राइमरि दे फोकस टुवर्ड्स चाइना साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना सो उसके बाद मिडिल ईस्ट से ऑटोमेटिकली उनकी वो जो इन्वॉल्वमेंट थी जो पिविटल पॉइंट था ना वो ख़त्म हो गया सो दैट पिवट शिफ्ट टुवर्ड्स द ईस्ट ईस्ट एशिया अब इस वजह से मिडिल ईस्ट में एकदम से आपको टर्बुलेंस नज़र आई क्योंकि इसकी जो पूरी ग्रेविटी थी वो यूएस की वजह से थी कोयत के साथ डील हुई हुई है यू के साथ डील हुई सऊदी अरबिया के साथ डील हुई आ, साथ हुई भी है ईरान को टाइट किया हुआ है सीरिया को भी ज़रा साइड पर रखा हुआ है टर्की को अटैच किया हुआ है उन तमाम कंट्रीज़ का जो पेवट था वो लूज होना शुरू हो गया एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग ऑन द रोन और उसमें जिस कंट्री का जितना दा लगा उन्होंने कर लिया एंड इस तमाम पूरी फिलोसफी को सपोर्ट करने के लिए दो हज़ार दस ग्यारह के अंदर अरब स्प्रिंग भी आ गया जो प्रो डेमोक्रेटिक वो एक तजर्बा था जो कि वेस्टर्न पावर्स की तरफ से शायद किया गया था और वो इतना कामयाब नहीं हो सका एंड स्टेटस को वॉज अगेन मेनटेन बट यू एस वेटिवलीबसेंट डेकेड इसके अंदर से वो एबसेंट हो गया hmm. लेकिन इस एबसेंस की वजह आप ऑयल को देखेंगे इकोनॉमी को देखेंगे मी बी अलिटिकल एनलिस्ट आई वी इट इन डिफरेंट सीनैरियो इस न्यू सैनैरियो के अंदर यूएस लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर मिडल ईस्ट और उस रिस्पेक्ट के लूजिंग की वजह से एक सबसे बड़े इशू को इन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया इन दैट्सटाइन क्राइसिस अब मॉडर्न डे के अंदर आफ्टर 2022 ट्वेंटी टू यू एस दो एंट्री लेना चाह रहा है बिकॉज उसको समझ आ गई थी कि चाइना भी आ रहा है एंड इफ़ यू लीव मिडल ईस्ट ऑन इट्स ओन और वो खुद अपने पाओं पर खड़ा होना शुरू हो जाए जो कि वो हो रहा है आफ्टर द विजन ट्वेंटी थर्टी और मकाब hmm. और नियॉम सिटी सो दैट बिकम्स अनदर प्रॉब्लम उस साइड सारी चीज को अपनी साइड पर करने के लिए ऑलरेडी यू एस कोशिशें कर रहा था इब्राहिम अकॉर्ड्स प्लेड द रोल इन दैट के एस ए के एस ए को मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इस टाइम में कैसे कोई भी नहीं सऊदी अरेबिया कोई भी नहीं क्योंकि उधर खड़ा हुआ है, so, है, है। कि किस तरह मूव करेगा तो क्या होगी और उसमें डेफिनेटली पैलेस्टाइन क्राइसिस एक रोल प्ले करेगा बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है इसमें आगे जाने से पहले आपने कहा ना व्यूइंग एंगल एनर्जी है जो भी है वैसे नॉर्मली जिन चीज़ों को जब व्यू किया जाता है वो यही उस एंगल से जाता है जिसमें सब चीज़ों को आप देखते हैं मतलब uh -huh. क्योंकि दुनिया एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आप किसी एक एंगल से देखेंगे तो वो बायसनेस बन जाएगी uh -huh. तो आपसे मैं एग्री करता हूँ और इस इसमें लेकिन ये जरूर रोल होगा बिकॉज इफ़ यू लुक एट यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट उसका मुझे टाइटल भूल गया अभी प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग इन पेलेस्टीन तो इसका एक बहुत बड़ा एंगल इसराइल का जो पेलेटीन में हो रहा है उसमें यह भी है कि कितने ट्रिलियन क्यूबिक फीट की गैस And oil reserves were discovered in the Middle East, yes. and they had deals with uh, Israel and Turkey and everything. So, all So, obviously, it's a ho overall holistic scheme. Just go on different parameters are different hai. parameters. So, relevant. Hai, ye bhi relevant. Hai, ye bhi, sab hai relevant. relevant. Uh, moving forward, another important state. Hai, that is Iran. Hmm. What is new calculus? can there? Mm -hmm. uh, Iran ke role briefly, can Oh, Iran is very interesting right now. Hmm. आई थिंक इस पूरे इशू के अंदर जो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत स्टेट रही है या जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी सिनेरियो ने जो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स बेयर किए ना वो ईरान के लिए ईरान ऑलरेडी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 2020 से आज तक इन्वाल्व था टू मेंटेन सम काइंड ऑफ न्यू ईरान डील जो ईरान न्यूक्लियर डील था उस, हाँ। उस पॉइंटों के बारे में बात की जाती है उस बारे में बातचीत चल रही थी और रिचर्ड हास के आर्टिकल से हमें बताया कि वो एक डेड का शिकार है एक पॉइंट के ऊपर आगे रुके हुए दोनों और एकदम से ईरान ना बैकहण्ड पर जा रहा था पिछले दो तीन सालों में कोई इंपॉर्टेंट स्टेज नहीं थी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है सेंक्शन हैं अब ईरान एकदम से डोमिनेंट स्टेट बन गई नाउ ईरान हैज़ अ रोल टू प्ले क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉगेस्ट स्टांस लिया हुआ है अगर इस पूरे इशू पे दैट इज़ ई ईरान हूतीस को जो कंट्रोल करता है वो ईरान हिजबुल्ला को कंट्रोल करता है ईरान हमास के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है ईरान जो शियाइट्स ग्रुप हैं सीरिया के उनको कंट्रोल करता है ईरान सो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और ईरान के बग़ैर इस पूरे मसले का कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ईरान नोज दैट और उसको हम इसे इससे गेज कर सकते हैं कि जब सेवन अक्टूबर uh, के बाद ये मसला हुआ तो उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिम रईसी जो कि इरानियन प्रेसिडेंट है उनको बुलाया और वो उनका फर्स्ट विजिट द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ़ दैट प्रेसिडेंट टू वर्ल्ड्स के ऐसे और वहाँ जा कर उन्होंने वो जॉइंट एक सबमिट करने की कोशिश की थी इस्लामिक और अरब वर्ल्ड का उसका ऑल्डो कोई रीज़न नहीं निकला लेकिन उससे ये बात क्लियर क्लेयर हो गई कि ईरान हैज़ अ स्टेक तो वो जो ईरान को हमने पहले शन किया हुआ था ना वो सेपरेट हो गया अब ईरान के कोई से तल्लु बन चुके हैं बहरीन से बन चुके हैं यूएई के साथ बातचीत चल रही है आई थिंक वो भी हो गए हैं सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट उनके तल्लत हो गए हैं तो ईरान जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड था इस रीजन के अंदर वो तमाम से कनेक्टेड हो चुका है इस टाइम और नाउ ईरान इज़ अ प्रॉपर प्लेयर वो इस प्लेयर बन चुका है उसको ओ आई में भी बुलाना शुरू कर दिया उन्हें अरब लीग में ही नहीं। नहीं। में उनके लिए बातचीत स्टार्ट हो गई है सो ईरान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिविटल पॉइंट है जो कुछ कर सकता है आफ्टर सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया की मैं बात करूँ कोर्स कि वो एक अलहदा क्योंकि फ्यूचर तो हम उसी की तरफ देख रहे हैं बट ईरान को एक्चुअली फ़ायदा ही फायदा हुआ है इसको ठीक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सऊदी अरब की बात करते हैं वाई डू यू थिंक सऊदी अरब इज हैज बिकम मतलब अभी एक तो इम्पोर्टेंट हो गया है और आगे भी क्या ये इम्पोर्टेंस अपनी रिटेन करेगा या कम होगी या डिवाइड हो जाएगी आगे जाके इसकी आई थिंक सऊदी अरेबिया एज ए कंट्री वो इंग्लिश में कहते हैं ना वो हैज़ ऑल द कीज उसके पास सारी कीज है क्योंकि इफ यू एस डज नॉट वॉन्ट टू मेक अ मिस्टेक दैन दे हैव टू टॉक टू सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से जो हिस्टोरिकल हमारे अकाउंट है उसको पता है उनसे बात करने का तरीका क्या है उनको कोई थोड़ा सा ऑफर uh, करें आप मिलिट्री की एड ऑफर करें कुछ इक्विपमेंट दे कम टू द ब्लॉक वो आ जाते हैं hmm. लेकिन सऊदी अरेबिया सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट इसलिए है कि इस टाइम रीजन के जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें सिर्फ एक सऊदी अरेबिया जिसके ताल्लुक सबसे बेहतर है सऊदी hmm. अरेबिया है वर्किंग रिलेशनशिप विद इट हैज़ अ वर्किंग रिलेशनशिप विद इट इट हैज़ हैज़ गुड गुड विद विद सीरिया रिलेशन ईरान नाउ और जो बाकी जी सी सी के कंट्रीज हैं उनके साथ तो ऑलरेडी वो इन इवेट है और क्योंकि जो पूरा बेरर होगा जो जो स्ट्रेंथ कर सकता है इसको वो यूएस है और यूएस खुद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यूएस ओवर द बॉर्डर या सबके सामने कभी भी ये नहीं शो कर सकता कि दे आर नॉट बिहाइंड इसराइल सो इसराइल के पीछे होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे काम करना चाहेंगे लेकिन वो खुद नहीं कर सकते दे विल यूज सऊदी अरेबिया सो सऊदी अरेबिया की बड़ी यूनिक कंडीशन आ गई अब हर स्टेट के अपने अपने मसाइल और इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं जॉर्डनियन किंग uh, जो किंग अब्दुल्ला है द सेकेंड और क्वीन रानी है उनका बड़ा सख्त पैगाम आ गया बट जॉर्डन वॉन्ट्स इट्स ओन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और वो भी प्ले करेगा यू को टर्की ने बड़ा स्ट्रॉग स्टांस लिया है वह टर्की एफ सिक्सटीन की नई डील करना चाहता है यूएस साथ वो सिर्फ उसके लिए कर रहा है वो डील हो जाएगी खत्म हो जाएगा साइड पर सीरिया ये चाह रहा है कि वो जो टेररिस्ट फोर्सेस जिनको सपोर्ट किया हुआ है टर्की और दूसरे ने उनको साइडलाइन कर दे ईरान चाह रहा है मेरी न्यूक्लियर डील हो जाए कतर चाह रहा है कि मेरी गैस और ऑयल की डील करा दें यूरोप के साथ दोबारा नए लेवल हुँ. की हर कंट्री अपने अपने कैलकुलस से चल रहा है लेकिन सऊदी अरेबिया इज़ वन कंट्री जो एक्चुअली सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा मुझे नहीं पता कि सोच रहा है या नहीं बट दिस इज दिस इज़ वन कंट्री जिसका काम है सो सऊदी अरेबिया कैन ब्रिंग टू द टेबल ईरान दे कैन ब्रिंग द गल्फ कंट्रीज एंड दे कैन ब्रिंग इज़राइल वेल ऑब्वियसली नॉट ऑन द सेम टेबल टेबल चेंज हो जाएंगे लेकिन सऊदी अरब एट द सेम पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स रोल एज अ स्विंग प्रोड्यूसर in energy and otherwise as well, hmm. and because of the very influence that you have uh, alluded to, and the Saudi Arab also has a lot of sovereign power, mm -hmm. uh, sovereign space to its decision. Mm -hmm. recently, US खराँ खराँ and if we look recently with the US, the situation between was also bad. It was oil. Yes, and the second thing is that even now, if you look at it, Saudi Arabia or the US, both are undermining each other's efforts to uh, बैलेंस द मार्केट एनर्जी मार्किट्स तो मुझे लगता है पर्सनली मुझे लगता है मैं इसलिए बस रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि इन द कमिंग मंथ्स और समथिंग वी विल सी अनदर ऑयल वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द हाउ डज दैन दीज डायनेमिक्स जो आपने बताई हैं वो फिर किस तरह इन्फ्लुएंस होंगे इससे अच्छा ये जो आप बात करें ना ये वहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुई थी जब यूएस ने सऊदी अरेबिया को ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा था और बिन सलमान ने इनकार कर दिया की बात कर रहा हूँ वो तो पहला था वो जो वाला पहली नहीं नहीं पहली जो शेल वॉर शुरू हुई थी और वो तो तो उन्होंने exactly, इस दफा इनकार कर दिया था और वहां से हम कह रहे हैं बट हमें ये चीज नोट करनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया कभी सेपरेट होकर नहीं चल पाएगा क्योंकि उनकी 90 परसेंट इक्विपमेंट इज मेड इन उनको चाहिए सो so येस yes, क्या उनकी जो इस तरह की जो स्क्रमिशेज हैं ऑयल पे चलेंगी ये एक ऑयल वर्ल्ड अलहदा है एंड यू नो इट बेटर देन मी उसकी अलहदा एक डायनामिक्स होते हैं हम तो जियो स्ट्रेटजिक को देख रहे हैं उसमें उसके इम्पैक्ट्स आएंगे बिल्कुल हाँ स्पेल ओवर तो होगा ना उसका एक्जैक्टली तो exactly. जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली अगर आप फॉरन अफेयर्स में वली नसर का आर्टिकल भी आया हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने यही पॉइंट्स रेज किए हुए थे कि सऊदी अरबिया बड़ी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आ गया सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ भी अटैच है ईरान के साथ भी अलाट ऑफ दीज कंट्रीज प्लस अब सऊदी अरेबिया किस तरीके से बैलेंस का मुजाह करता है बड़ा इजी है उसके लिए कि टोटल इन बेड विद यूएस जाए उनसे 200-300 बिलियन डॉलर की अगले 10 साल की एक और मिलिट्री डील कर ले और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाए hmm. वेरी इजी फॉर सऊदी अरेबिया hmm. बट दैट विल इंक्रीज इन इन द रीजन ah. क्योंकि वो इरेनियन न्यूक्लियर एक्टिविटी को बढ़ा देंगे और विद इन दिस विद इन फाइटिंग डिफरेंट फैक्शन होते हैं ऑलरेडी लोग बड़े खिलाफ हैं कुछ के और स्टार्ट में आपने बात की क्यों सऊदी अरेबिया ये है जो मैंने तो सारे पॉइंट्स दिए ना ये वाले लेकिन एक और रीज़न देखें कि मिडल ईस्ट में इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट नॉट मोस्ट द मोस्ट पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट इस ईरान हाँ के अपने मसले चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंटली इंसलेक्शन हो रही थी सीरिया इराक कोत इवन यू के अंदर भी हम ऐसी बातें सुन लेते हैं जो एंटी मोनार की होती है लेकिन नो बड़ी चैलेंजेस बिन सलमान और बिन सलमान जो नया विजन लेके आ रहा है वो तो ऐसे ही यूथ में बड़ा पॉपुलर है और इसमें सऊदी यूथ की जो बड़ी इनको फॉलो कर रही है और आगे के जो इनके प्लान हैं हम कभी सऊदी अरब के ऊपर भी एक्चुअली बात कर सकते हैं द मॉडर्नाइजेशन ड्राइव द न्यूयॉर्क सिटी और सऊदी विजन ट्वेंटी थर्टी एंड द यूनिवर्सिटीज़ और सब चीज़ें दैट कैन मतलब अपॉर्चुनिटी तो है वो लाइबिलिटी भी हो सकती है वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी और देव अ लॉट ऑफ डिप्लोमैटिकविगेशन जो उन्होंने आगे जाके करनी है बट विल डिस्कस अबाउट दिस फाइनली फाइनल क्वेश्चन अब इस सब के अंदर न्यू मिडल ईस्ट न्यू एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग पाकिस्तान के रोल हाउ एंड पाकिस्तान के रोल चले हमको इतना खैर बहुत ज़्यादा <laughs> रोल नहीं प्ले कर सकते दैट सेट लेकिन पाकिस्तान किस तरह अप्रोच करे इस न्यू मिडल ईस्ट को देखें ये जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का रोल मिडल ईस्ट में ये वही इसका आंसर है जो जो अगर क्वेश्चन हम चेंज करते कि पाकिस्तान दुनिया में क्या रोल प्ले दैट इज़ वन एंगल ठीक है बैकवर्ड पोलिटिकली डिस्ज्वाइंटेड इकनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड कंट्री है जीरो से इन इंटरनेशनल अफेयर्स बिल्कुल ठीक है सो पाकिस्तान इस सूरत हाल को प्ले कैसे कर सकता है वो छोटे से चंद बातें आती हैं पहली तो बात है पाकिस्तान साइड्स लेने से गुरेज करें हमारे इरेनियन ताल्लुत भी हैं सऊदी अरेबिया की हैं अभी रिसेंटली मिज़ाइल अटैक के बाद तो हमें और क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ईरान इज़ नॉट अ कंट्री यू कैन मैसविथ ठीक है इट्स अ वेरी सीरियस कंट्री ईरान इज़ अ वेरी वेरी सीरीस कंट्री तो लेट्स टेक इट सीरियसली सेकेंडली हमारे जो इकोनॉमिक टाइज विद रिस्पेक्ट टू सऊदी अरेबिया आठ बिलियन डॉलर वो अटैच हुए हुए हैं उसको भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते सो वी कांट टेक द साइड्स। तीसरा मसला यह था है कि हम यू के साथ भी अटैच होना चाहते हैं स्पेशली आफ्टर ऑल द इकनॉमिक जो हमारा टर्म था और मेल्ट डाउन गुजर गया उसके बाद हम अब मजबूर हैं आई के पास जा रहे हैं और यू के पास भी जाएंगे तो उसके लिए हम किसी एक लेवल पर स्ट्रॉन्ग स्टांस ले नहीं सकते एंड वी शुड नॉट सी इट एज ए वीकनेस इट इज एक्चुअली अ स्ट्रेंथ इसको स्ट्रेंथ के तौर पर प्ले करें कि वी आर द मोस्ट फ्लेक्सीबल नेशन इन द इंटायर वर्ल्ड राइट ठीक है हम आपकी बात भी जी सर आपकी बात भी जी सर है, आपके साथ जरूरी है जरूरी है सेकेंडली वट वी कैन डू इज कि पाकिस्तान हैज ए वेरी गुड आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट विद अदर स्टेट एटलीस्ट मुस्लिम स्टेट्स जितनी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा अटैचमेंट सिस्टम बना हुआ आइडियोलॉजी के अतबार से और एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है और स्पेशली जो अफ्रीकन यूनियन है वहां पर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा घास नहीं डालते हैं सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से बेहतर है सो वी कैन ब्रिंग दैट टू द टेबल और पाकिस्तान यू के अंदर तो अब ये तो क्रिटिज्म में ही आ जाएगा कोई खास रोल प्ले नहीं कर रहा फिलस्टाइन क्राइसिस के लिए इवन आयरलैंड एंड साउथ अफ्रीका एंड अलॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर डूइंग मच बेटर देन अस सो वो गेम है तो वर्ल्ड गेम भी हमारी जरा वीक चल रही है बिल्कुल सो वी शुड ट्राई टू डिटैच आर सेल्स एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम दिस न्यू रियालिटी ऑफ मिडिल क्योंकि अभी हमारे पास वो है नहीं बिल्कुल है। दूसरा यह है चाइना वाला एंगल एक, एक स्मार्ट एंगल है चाइना वुड वॉन्ट सम काइंड ऑफ फुट होल्ड इन द मिडल ईस्ट वो इकोनॉमिक फुट होल्ड हो आई डों पोलिटिकल फुट होल्ड चाहते हैं अभी सो so, उस फुट होल्ड के लिए वी कैन लॉबी फॉर चाइना Hmm. कि इस नई रियलिटी के अंदर हम कंप्लीट फोरे ना दे, दे दें यूएस को तो वहां पर हम चाइना के लिए लॉबी कर सकते हैं एंड दैट्स वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पॉइंट जो पाकिस्तान और पाकिस्तान आई थिंक प्ले बुक वट इज कॉल्ड मल्टी वैक्टर फॉरन पॉलिसी जो आपने कहा कि mm -hmm. हर तरफ करना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग बिकॉज

दैट इज़ गुड क्योंकि मेरे पास अभी थी नहीं <laughs> तो अगली बार हम किताबों को साथ जरूर शामिल करें थैंक यू थैंक यू एस